मैं अभी अपना वोट डाल के आ रही हूँ और मैं सभी दिल्ली वालों से अपील करना चाहूँगी कि वो भी आएँ, अपना वोट डालें, महंगाई के खिलाफ अपना वोट डालें, बेरोज़गारी के खिलाफ अपना वोट डालें, तानाशाही के खिलाफ अपना वोट डालें। और जिस तरह से एक एक करके देश में विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, उसके खिलाफ अपना वोट डालें। कल आपने एलजी पर आरोप लगाया था कि इंडिया गठबंधन के जहाँ भी कैंडिडेट्स हैं वहाँ धीमी जो है वोटिंग के आपने आरोप लगाया। देखिए, हमें आधिकारिक सूचना मिली कि दिल्ली के कई हिस्सों में जहाँ जहाँ इंडिया गठबंधन के स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जहाँ पे हमें हमारे बहुत ज़्यादा वोटर हैं, वहाँ पर एलजी साहब ने पुलिस को आदेश दिए हैं कि वहाँ पर वोटिंग को स्लो कराना है, डबल बैरिकेडिंग करवानी है, बैरिकेडिंग को बूथ से दूर करवाना है, बार बार वोटर्स की चेकिंग करनी है कि वोटिंग की स्पीड स्लो हो जाए। अगर ऐसा है तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। तो हम यही अपील करेंगे इलेक्शन कमीशन से कि उनकी जिम्मेदारी है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए और ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इंश्योर कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। आखिरी सवाल, अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि कहीं कोई सबूत नहीं मिला, पैसा नहीं मिला, मगर कल एक इंटरव्यू में पीएम ने उनको एक्सपीरियंस थीप करके बोला है। देखिए, अब यही भारतीय जनता पार्टी की समस्या है, जब वो चुनाव हार रहे होते हैं तो हर प्रकार के सनसनीखेज षड्यंत्र सनसनीखेज कहानियाँ लेके आते हैं। आपको याद होगा 2015 में जब चुनाव हार रहे थे तो हवाला एट मिडनाइट करके उन्होंने कोई सनसनी चलाई थी। जब 2022 में पंजाब का चुनाव हार रहे थे तो यही प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल खालिस्तान को एक अलग देश बनाना चाहते हैं, उस देश का प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। तो ये सब सनसनीखेज षड्यंत्र इस बात का द्योतक हैं कि प्रधानमंत्री जी को भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी हारने वाली है और इंडिया गठबंधन की सरकार आने वाली है।